अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो जी, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और इसमें वीडियो का जो फ्रॉक है उसका लोअर पार्ट मैं दिखा रही हूँ आपको कि वो कैसे सिलाई कर सकते हैं आप। लोअर पार्ट के दामन पर पहले ही ऑलरेडी तरपाई की हुई थी, वहाँ पर आप ऐसे लेस लगा सकते हैं। कोई भी कलर ले लें आप, गोल्डन ले लें या सिल्वर ले लें, अच्छा लगेगा। या बाजू हैं, बाजुओं के सामने मैं ये मगजी लगा रही हूँ, डोरी बोलते हैं जिसे। इसको लगा के आप इसे सिलाई भी कर सकते हैं और तरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली थी क्योंकि छोटे बच्चे का है इसलिए। ये देखिए, आपने ऐसे इसको लगा लेना है, फिर फोल्ड करके दूसरी साइड पर जो उल्टी साइड है वहाँ पर आपने तरपाई कर लेनी है या फिर सिलाई लगा लेनी है। वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी आप लाजमी देखना, बहुत अच्छा फ्रॉक है। ये पठानी स्टाइल में फ्रॉक है जिसे अफगानी फ्रॉक भी बोलते हैं। आप ये इसका लोअर पार्ट और जो अपर पार्ट है उसको रखना है एक साथ और देखना है कि आप हमने यहाँ पे कितने प्लेट डाल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप छोटे प्लेट भी डाल सकते हैं और बड़े प्लेट भी डाल सकते हैं। ये मैंने पुराना कमीज़ था उससे ही मैंने ये फ्रॉक बनाया है। आप लाजमी इस फ्रॉक को देखना, पूरी वीडियो को देखना। यहाँ पर आप लगा कर ऐसे पिन अप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप दोबारा जब सिलाई लगाएंगे साथ साथ लगा सकते हैं ये। आप सीधी दोनों सीधी साइड्स को इकट्ठे रखना है और सिलाई मशीन के ऊपर आके इनको सिलाई कर लेना है। यहाँ से थोड़ा टेढ़ा था तो मैंने यहाँ से कटिंग कर ली थोड़ी सी। दरमियान में कट लगा सकते हैं आप अपनी आसानी के लिए। अपर पार्ट पर भी और लोअर पार्ट पर भी ऐसे पता चल जाता है कि कितनी साइड पर कितने प्लेट्स डालने हैं, एक तरतीब रहती है। इसके साथ ही एक टिप भी हो गई आपके लिए। इस ब्लू कलर के ऊपर सिल्वर कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इसके ऊपर गोल्डन भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगना था, लेकिन मैंने प्रेफर किया सिल्वर को यूज़ करना। ऐसे यहाँ पर हमने प्लेट्स डाल लेने हैं जल्दी से। अगर छोटे प्लेट डालेंगे तो वो ज़रा ज़्यादा होंगे, अगर बड़े प्लेट्स डालेंगे वो ज़रा कम होंगे। ये फ्रंट साइड का देखिए कितना अच्छा उसका तैयार हो गया है। ये देखिए यहाँ पर सारे प्लेट डल गए हैं। ऐसे ही हमने इसी टेक्निक को यूज़ करना है, दरमियान में कट लगा लेना है और ऐसे ही हमने बैक साइड पर प्लेट डाल लेने हैं। ये बैक साइड है, यहाँ पर भी आप वैसे ही प्लेट डालेंगे। यहाँ पर आप हुक भी लगा सकते हैं बटन पट्टी पर और खुद भी हुक बनाकर डोरी की और साथ बटन लगा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमने प्लेट्स डालने हैं जैसे मैंने आपको फ्रंट साइड के दिखाए। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने प्लेट डाल लिए थे। अब दोनों साइड्स को एक साथ रखना है और इनको सिलाई करना है कंधे की साइड से। यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है।
दोनों सीधी साइड्स को एक साथ रखना है एक दूसरे के आमने सामने, और दोनों बैक साइड पर हमने सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर पक्का कर लेंगे, धागे को दोबारा टर्न करेंगे। अब इसका लोअर पार्ट भी साथ अटैच हो गया और कंधे भी जुड़ गए। अब इसके रह गए बाजू और फिटिंग की सिलाई, तो हमने पहले बाजुओं को अटैच करना है। बाजुओं को अटैच करने के बाद यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली थी इसको। यहाँ पर हम ये मेरे थोड़े से एक्स्ट्रा हो गए थे, तो मैंने बाद में इसको कटिंग कर लिया था। यहाँ से ऐसे ही हमने जोड़ लेने हैं दोनों साइड्स को। अब इसका सब कुछ रेडी है, बस बाजुओं की सिलाई लगानी है और फिटिंग की सिलाई, और बस ये फ्रॉक हमारा तैयार हो जाएगा। आप लाजमी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाजमी शेयर कीजिएगा। यहाँ से हमने देख लेना है कि हमने बाजू की खुलाई कितनी रखनी है, सामने से कितने खुले रखने हैं, वहाँ से फिर हमने ये सिलाई लगानी शुरू कर देनी है। जो ये मगजी होती है इसे हमेशा प्रेफर किया करें कि सिलाई लगाएं, क्योंकि अगर इसको तुरपाई करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, ये बनारसी होती है। यहाँ से हमेशा ध्यान रखा करें एक ही साइड पर दोनों होने चाहिए, कंधे के जो जोड़ है। ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों साइड पे कितना अच्छा ये फ्रॉक तैयार हो गया, बिल्कुल रेडीमेड फ्रॉक लग रहा है ये। मैंने आपको पहले भी बताया है एक दो मरतबा कि ये मैंने पुराना कमीज था उसको रीयूज़ किया है, तो आप भी ऐसे रीयूज़ कर सकते हैं। और मुझे तो लाजमी बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि आपने भी रीयूज़ करके ऐसा ही फ्रॉक तैयार किया है। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाजमी मुझे बताइएगा लाइक के बटन को दबाकर, और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि मैं आपके लिए दोबारा किस टॉपिक पर कौन सी वीडियो लेकर आऊँ, कौन सा डिज़ाइन बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।